नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आगामी 15 अगस्त को भारत माँ की आजादी की हम 72वीं वर्षगांठ मनाने की जोरदार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी ही भारत माँ का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के जिला सिवनी के कोतवाली थाने में अपने ही देश में अपनी इस दुर्दशा पर लगातार आंसू बहा रही है। भारत माँ अपनी इस दुर्दशा पर चीख चीख कर कह रही है कि कोई तो मुझे इस थाने की कबाड़ से आजाद करवाओ, लेकिन हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही माँ की दुर्दशा अपने ही भारत देश में तमाशबीन और मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है? हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लेकिन पुलिस वाला समाचार पत्रिका ने भारत माँ की इस अवस्था पर आवाज दी है ताकि शासन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर जवाब दे कि आखिर भारत माँ का गुनाह क्या है, भारत माँ का अपराध क्या है, कौन है भारत माँ को इस हाल में रखने वाले। और हमारा सवाल ये भी है कि भारत माँ का जोर से नारा लगाने वाले और भारत माँ की जय जयकार करने वाले सभी जागरूक कहाँ हैं? क्यों थाने के पीछे कचरे और कबाड़ी के ढेर में पड़ी है हमारी अपनी भारत माँ? हमारे पुलिसवाला के सिवनी ब्यूरो संदीप ठाकुर की जागरूकता को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने भारत माँ की इस अव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिसवाला के सवाल पर और भारत माँ की इस दुर्दशा पर क्या कहते हैं कोतवाली के TI और क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि, आप भी सुने और जवाब दें जिम्मेदार की भारत माँ थाने के कचरे के ढेर से और थाने के पीछे के कबाड़ी से आखिर कब आजाद होंगी। जरूरी भी है कि भारत माँ की इस हालात के जो भी जिम्मेदार हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अभी ये भी हो सकता है कि पुलिस वाला की इस पहल पर जागरूक होकर शासन प्रशासन आनंद फानन में भारत माँ की प्रतिमा को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, लेकिन जवाब तो तब भी देना जरूरी है कि वर्षों से भारत माँ की इस हालत पर आखिर किसी जिम्मेदार की नजर क्यों नहीं पड़ी, और अगर पड़ी तो भारत माँ को सुरक्षित रखने का प्रयास किसी ने क्यों नहीं किया। क्या भारत माँ जिस अवस्था में और जिस जगह रखी हुई है क्या वो जायज है? ये भारत देश के लिए और जिम्मेदारों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। भारत माता की प्रतिमा 2.5 साल से मतलब वहाँ पर रखी हुई है, तो उसका कहीं अनावरण नहीं हो पा रहा, कहीं ऐसे स्थापित नहीं हो पाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन अगर प्रशासन के नॉलेज में है या और भी समाज सेवियों के नॉलेज में है तो ये सब मिलकर जहाँ वो थाने में ऐसा सुना गया है कि वो थाने में बंद है, लेकिन वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। 2.5 साल यानी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हम अपने भारत माता कहते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं और ऐसी माता के लिए उचित स्थान लेके उन्हें अच्छी जगह पे उनका अनावरण किया जाए। आपकी तरफ से क्या पहल करेंगे कि जिससे भारत? मैं भी सभी से चर्चा करूंगी, मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा करूंगी, SP साहब से भी चर्चा करूंगी और जो हम लोगों के संगठन है वो भी चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे पहले ही मजदूर के कर्मचारी हुए मेरे पास इस विषय को लेकर आए थे, समय नगर पालिका में कुछ ऐसा संग्रह था कि CMO नहीं था, लेकिन अब आप मेरे संज्ञान में बात को लाए हैं, उन्हें एक बार में जिला कलेक्टर और CMO नगर पालिका से बात करूँ, निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि उस मूर्ति की जगह कहीं जगह स्थापित की जाए, ताकि उस मूर्ति जो घाट माता की मूर्ति है, जो कुछ भी पहले जो मूर्ति के साथ हुआ है जबकी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन है और BJP अपने आप को बहुत बड़ी भारत माता के भक्त बताती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ किया इसके लिए, लेकिन आज ये आप लोग मुझे पहली बात मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित रूप से मैं बहुत जल्दी ही इस मामले में जिला प्रशासन से बात करके और मूर्ति कहीं को उचित स्थान पर स्थापित करने की पूर्ण प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। तो उपरांत मैंने मेरे संज्ञान में ये बात आई, मैंने क्योंकि ज्वाइन किया, मुझे विजन भी हुआ है, तो थाने में मैंने पूछने में मेरे को पता चला कि ग्राम मढ़ोर में किसी विपतलाल विश्वकर्मा जो कि कर्मचारी संघ का नेता है उसको लीड करता है, उसके द्वारा सरकारी जमीन पर भूमि पर इस भारत माता की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, उसकी चूँकि वो सरकारी भूमि थी और बिना किसी आज्ञा के थी या शासकीय आदेश के थे, इसलिए उसको प्रशासन ने तत् समय उसको स्थापना करने से रोक दिया था। थाना परिसर में वो सुरक्षा रखी, सुरक्षा है जी, प्रशासन चाहे तो उसको कहीं स्थापित करा सकता है। हाँ, प्रशासन अगर अपने स्तर पर चाहे कोई शासकीय जमीन हो या लोगों की मनसा हो तो जिस तरह से वैसा करें। ओके, थैंक यू।